नमस्कार बुलेटिन को स्वागत पुणी कोरोना डर ओडिशा रे चाइना भेरिएंट चिन्हट हेबा चिंताजनक स्थिति सृष्टि करिछि याकु दृष्टि रखी आगुआ सतर्क होइछन्ते राज्य सरकार राज्य रे कोविड स्थिति ओ पदक्षेप नै आजि बसिबो उच्च स्तरीय बैठक स्वास्थ्य निर्देशक कहिछन्ति वर्तमान दिन को प्राय 6000 कोविड टेस्टिंग करा जाउछि कोरोना को नै सेभले चिंताजनक स्थिति सृष्टि होइ नै तथापि आगुआ सतर्कता जरूरी होइतिबा बेले समस्त मास्क पिंधिबा को परामर्श दिया जाइछि राज्य सरकार को पक्षरु टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट चली जीनम सिक्वेंसिंग उपरे गुरुत्व दिया जाय छी सर्वेलांस जारी रही छी तेणु समस्त सचेतन रहबा को स्वास्थ्य विभाग अनुरोध करै छी आगो को नुवा वर्ष हॉकी विश्वकप देखबा को देश विदेश रो हॉकी प्रेमी पर्यटक आसीबे वर्तमान स्थिति रे हा चिंता बढाई छी कोविड राज्य रो कटकणा उठि जायतिबा बेले स्थिति बिगड़ीबा पूर्वरु सरकार पूर्णि कटकणा लागू करि पारंती बोली कहा जाउ छी चीन रे भयंकर स्थिति और अन्य देश रे संक्रमण रो गति देखी भारत को पूर्णि संक्रमण रो चिंता घारी यार मुकाबला पाई आज सब राज्य रो स्वास्थ्य मंत्री को सह आलोचना करिवे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय अपराह्न 3:00 बैठक करिवे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री केंद्र और राज्य सरकार को प्रस्तुति रहब समीक्षा दुई दिन तले विभिन्न विभाग रो वरिष्ठ अधिकारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ वैज्ञानिक को सह उच्च स्तरीय बैठक करी आगुआ सतर्कता पाई ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करथिले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय चीन रे कोविड विस्फोरण अमेरिका कोरिया इटाली रे बढ़ुछि संक्रमण यहाँ को नहीं सारा विश्व रे चिंता भारत रे भी कोरोना रो चतुर्थ लहर को नहीं आशंका बढ़ुछि यहाँ को देखि अलर्ट मोड को आसिछन्ति केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड रे विभिन्न विभाग रो वरिष्ठ अधिकारी को सह आलोचना करिछन्ति बैठक रे कोविड स्थिति रो समीक्षा होइतला स्थिति उपरे कड़ा नजर रखिबा को राज्य गुडी को परामर्श दैछन्ति केंद्र सरकार एथिस जीनम सिक्वेंसिंग उपरे फोकस करने को प्रधानमंत्री परामर्श देते दैनिक टेस्टिंग बढ़ावा सह आगुआ सतर्कता भाव हॉस्पिटल प्रस्तुत रखा सबु राज्य को कोविड नियम पालन सह मास्क पिंधा को परामर्श देते सरकार आगो को कोरोना संक्रमण बढ़ाने आशंका थी तार किभली मुकाबला से नहीं व्यापक आलोचना बैठक में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय सचिव उपस्थित थे वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ बैठक में देखा विभिन्न प्रस्ताव पर आलोचना कर मोदी विशेषकर विदेश आसुवा जात्री स्वतंत्र नजर रखा कदेश बढ़ी बढ़ी चली संक्रमण परिस्थिति को नजर रखी आलर्ट भारत सरकार समस्त विमान बंदर में चेकिंग कड़ाकड़ी निर्देश रही विदेश आसुवा जात्री नजर रखा परामर्श बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय को चिट्ठी लिखिले केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण चीन जापान सह विभिन्न देश में बढ़ी चली संक्रमण तेणु विदेश आसुवा जात्री सांपल टेस्ट निर्देश रही अंतर्जातीय विमान बंदर में 2% जात्री रैंडम टेस्टिंग होब एस सबु जात्री मास्क पिंधा सह सामाजिक दूरता रक्षा करने स्वास्थ्य मंत्रालय गुजरात में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 रे आउ 6 जना आक्रांत चिन्हट होती अहमदाबाद और भावनगर म्युनिसिपालिटी रे 2 लेखाए केस चिन्हट होती दाहोद और तापी रे जने लेखाए BF.7 आक्रांत चिन्हट होती पुणी कोरोना डर पुणी फेरिला मास्क केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकार को चिट्ठी पर अलर्ट मोड में विभिन्न राज्य सरकार कोरोना सतर्कता को देखी कर्नाटक समेत विभिन्न सरकार मास्क परिधान बाध्यतामूलक कर कर्नाटक सरकार कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी करने बाहर को गले मास्क परिधान बाध्यतामूलक कर यूपी रे मध्य सरकार भिड़ स्थान में मास्क परिधान को बाध्यतामूलक निर्देश देते कोविड रोकने यथा संभव सतर्कतामूलक पदक्षेप ने महाराष्ट्र सरकार भी मास्क बाध्यता चिंता करुंट गहली स्थान को गले मास्क पिंधा को परामर्श दि जाऊक दिल्ली एम्स तरफ कोविड को नहीं निर्देशावली जारी हॉस्पिटल परिसर में मास्क बाध्यतामूलक कोविड नियम पालन कड़ाकड़ी जनवरी 13 ओडिशा रे हेबो पुरुष हॉकी विश्वकप यहा पूर्व हॉकी विश्वकप को नहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षता होती सर्वदलीय बैठक जोधर सबु राज्य मुख्यमंत्री को आमंत्रण निष्पत्ति उद्घाटनी समारोह रे जोग देबा को सबु राज्य मुख्यमंत्री को आमंत्रण करा जीवो बैठक पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिछंती एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक रे शामिल हेबो हॉकी विश्वकप सफलता
ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇ ସ୍କୁଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଗୌରବ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ତିନିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ କଫି ଟେବୁଲ୍ ବହି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ 2036 ଓଡ଼ିଶାରୁ 100 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସଫଳତା କାମନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଭୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ବେଞ୍ଚରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାନି ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିବା ସଂଘ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ସରକାର ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଏପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହେଉଛି ସଂଘର ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସନ୍ତା 28 କିମ୍ବା 29 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ନଡ୍ଡା ବିଜେପିର ପ୍ରବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ ନଡ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ସହରଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତୁରଙ୍ଗ ଗାଁରେ ହାତୀ ପଲ 34 ହାତୀ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିନଥିଲେ ବି ବଣୁଆ ହାତୀ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ହାତୀ ପଲ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ହାତୀ ପଳ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ପାଚିବା ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଇବାକୁ ହାତୀ ପଲ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସହରଠାରୁ ଅତି ନିକଟରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ହାତୀ ପଲ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ପଲ ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତ ଧାନଖୋଳାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୁମାରମୁଣ୍ଡା ସେକ୍ସନ୍ ଶୁଖିଲା ସହରରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟିଛି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ତାପମାତ୍ରା 14 ଡିଗ୍ରୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ଉତ୍ତରା ବାୟୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସୁଛି ଆଗାମୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି କି ସସ୍ପେନ୍ସ ଚିଠିରୁ ମିଳିବ କି କିଛି ସୁରାକ ନା ସିସିଟିଭିରୁ ମିଳିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲ୍ରେ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ 16 ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ଟିମ୍ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତନାଘନା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଜେଲ୍ ଭିତରର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଜେଲ୍ରେ ସିସିଟିଭିରେ ଘଟଣା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବ ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କେତେକ ସିସିଟିଭି କାମ କରୁନଥିଲା ଆଉ ଏହା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିସିଟିଭି କାମ କରୁନଥିଲା ଯାହାକି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇପାରେ ଏନେଇ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି ଜେଲ୍ର ସିସିଟିଭିକୁ ନେଇ ବାହାରେ ହୋହାଲା ଚାଲିଛି କେବେ ଉଠିବ ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ରେ ରହିଛି କି ରହସ୍ୟ କେବେ ଅପଦାକୁ ଆସିବ ଅସଲ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ତା ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୁବକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ହରିଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗାଁ ନିକଟ ତୃପ୍ତିନଗର ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ର ଏକ ଘରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୃତ ଯୁବକ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ରଞ୍ଜିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ
रजिता पत्नी अन्य माने शवक उद्धार करी बड़ डाक्तरखाना नेइथिले मेडिकल रे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले पत्नी को अभिजोग को आधार करी तदंत आरंभ करिछि पुलिस गंजाम जोरडा थाना सामंतियापल्ली पंचायत सम्मुखरे गोष्ठी संघर्ष घटना रे आंबो गांरे व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन हत्याकांड पर आंबो गां हैला पुरुष शून्य ब्रह्मपुर अतिरिक्त एसपी जीकेटी एसडीपीओ चार इन्स्पेक्टर तीन प्लाटून पुलिस फोर्स आंबो गांरे मुतयन होती मृताहतक घर आंबगां गिरफ भय गांव में पुरुष नहांती गतकाली सामंतियापल्ली पंचायत सम्मुखे होता गोष्ठी संघर्ष एम रामाराव को मृत्यु होता बेले एम कृष्णा राव और एम लाछेया गुरुतर आहत होते गुरुतर एम कृष्णा राव को ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल कटक स्थानांतर कर पंचायत कार्यालय आगे हत्याकांड समय वीडियो वायरल होती सोशल मीडिया रे वीडियो रे जने व्यक्ति दौड़ किसी व्यक्ति आक्रमण करुंचायत तरफ आंब गां लोक चाउल बंटा जाता चाउल ने गांव अनेक लोक ढड़ा होते भितर एम तीन जन भी थे हठात दस रु अधिक युवक आसी छुरा आक्रमण करते मारणास्त्र में तीन जन को आक्रमण करते पर लोकों अभोग चारिमास ते भी दुर्वृत्त एभली आक्रमण करते थाना अभोग पर पुलिस से गिरफ्त कर दुर्वृत्त मैंने बेल आसी पुणि थे आक्रमण कर घटना को नहीं थाना एक मामला रुजु तुरंत दोषी विरोध में कार्यानुषाना स्थानीय सरपंच दायी करते घटना नहीं जोरडा थाना पुलिस तदंत आरंभ कर दुर्वृत्त मैंने फेरार थरवाक टीम गठन कर एलआईसी एजेंट शैलेन्द्र हत्याकांड घटनार रहस्य उन्मोचन कर दीपू साहू कहीं किभली शैलेन्द्र को हत्या करता क्राइम सीन रिक्रिएसन बेले गणमाध्यम निकट में खुलासा कर दीपू दीपू और स्त्री सुनीता कटक दहबरा बिक्री करुते से समय शैलेन्द्र तीन एलआईसी कर लॉकडाउन बेले बेपार होन किस्ती टंका दे पार दीपू यार सुजोग नहीं शैलेन्द्र स्त्री सुनीता प्रेम संपर्क स्थापन करी खराब संपर्क रखी यह दुई पर भितर अनेक थर बद हो कटक थाना दीपू मामला भी यापर भी शैलेन्द्र न मानि बारंबार नयागढ़ आसी सुनीता खराब संपर्क रखुवा दीपू कहते एमतीक दीपू ठार स्त्री को छड़ाई ने धमक भी देते गत तीन तारिखर शैलेन्द्र दीपू घर बेले से ही समय एक लुहा रड्रे हत्या कर दीपू स्वीकार करैलेन्द्र को हत्या करोटी पोड़ के फोपाड़ी पूरा डेमो देखा घटना रे पुलिस तदंत जारी रही भी दीपू हत्या कर लुहा रड स्कूटी पाइन बेले घटना संप्रति नहीं दीपूर बापा पुलिस गिरफ्त कर शुक्रवार उभय को कोर्ट चालान कर जाजपुर जिला हरिदासपुर ठारे भयंकर अग्निकांड गजानन पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री में भयावह अग्निकांड होई फल जली जाई ट्रक लक्षाधिक टंकार संपत्ति नष्ट होइथिबा आकलन करा जाउछि अग्निकांडर कारण अस्पष्ट रही सुंदरगढ़ लाठीकटा ब्लक में हाथी उपद्रव केतेबेले दंता हाथी आतंक तो केतेबेले फसल खाउछन्ति हाथी पल यार स्थायी प्रतिकार दाबी राउरकेला वन विभाग अफिस आगे धारणा देइछन्ति लोके लाठीकोटा ब्लक्र सुईड हाथी बंधा मुंडा जोर रामचोड़ी जलदा अठर खंड गांव पंचायत लोक वन विभाग अफिस घेराव कर दावी पूरण डीएफओ आलोचना कर हाथी को उड़ाइवा स्वतंत्र टीम गठन होता बेले हाथी गतिविधि पर वन विभाग नजर रखा डीएफओ कहते More a choice, more a safed, more a safed. नमस्कार खबर फटाफट को आपण को स्वागत करुछि मु बंदिता पुणि कोरोना डर ओडिसा रे चाइना वेरिएंट चिन्हट हेबा चिंताजनक स्थिति सृष्टि करिछि आकु दृष्टि रखि आगुआ सतर्क होइछन्ति राज्य सरकार राज्य रे कोविड स्थिति एवं पदक्षेप नै आज बसिबो उच्चस्तरीय बैठक स्वास्थ्य निर्देशक कहते वर्तमान दिन को प्राय 6000 कोविड टेस्टिंग करा कोरोना को नहीं सभी चिंताजनक स्थिति सृष्टि होना तथापि आगुआ सतर्कता जरूरी होता बेले समस्त मास्क पिंधा को परामर्श दिया
राज्य सरकार को पक्षरु टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट चली जीनोम सिक्वेंसिंग उपर गुरुत्व दिया जाय छि सर्विलांस मध्य जारी रहि छि तेरु समस्त सचेतन रहबा को स्वास्थ्य विभाग अनुरोध करै छि न्यूज फ्लैश प्रेजेंटेड बाय सफेद डिटर्जेंट पाउडर मोर चॉइस मोर सफेद मोर सफेद ओडिशा कृषि शिल्प निगम पक्षरु 86 शिक्षित युवकंकु दक्षता विकास पक्षरु तालीम दिया जाय छि कृषि यंत्रपाति मरामति उपरे तालीम प्रदान करा जाय छि कृषि भवन रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे तालीम रो शुभारंभ होई छि गत वर्ष 120 जन युवकंकु एई तालीम दिया जायथिला ए माने ग्रामांचल रे चासी को सहायता करबा सह आत्मनिर्भरशील होई पारिछन्ति सरीबाकु बसिलानी डिसेंबर मास तथापि गजपति जिला रे खुलुनी मंडी चलित वर्ष जिला रे दुईटी पर्याय रे 80160 मेट्रिक टन धान संग्रह पई लक्ष्य रखा जाय छि चलित वर्ष 14422 जन चासी पंजीकृत करथिबा बेले 14310 जन चासी को कागज पत्र जांच करा जाय छि एथर मध्य 44 सिटी केन्द्र रे धान संग्रह करा जिबो सेबडे प्रशासन मंडी दायित्व महिला स्वयं सहायक गोष्ठी को देबा पई प्रयास करथिबा बेले मिलर समवाय समिति याको विरोध करुछंती चलित वर्ष 49 मिलर धान नेबा पई शामिल होछंती एबडी स्थिति रे मंडी केबे खोलिबो ताकु नै चिंता रे चासी मालकानगिरी पिटागाटा गांरु विशाल अहिराज उद्धार मालकानगिरी वन विभाग द्वारा अहिराज को उद्धार करा जायछि दिन 12टा बेले कोरकुंडा ब्लॉक पिटागाटा गांव रे जणक घर सम्मुख रे विशाल अहिराज दिबा वन विभाग खबर पाइथिले खबर पाई वन विभाग कर्मचारी से स्थान रे जाई उद्धार करथिले सापक उद्धार सापटी 15 फुट उद्धार लंबा यहां को उद्धार करी मालकानगिरी रेंज ऑफिस रे सुरक्षित रखा जायछि सुस्त हेले छडा हेबो बोली रेंज अधिकारी प्रकाश करिछन प्रधान शिक्षकंक बदली को विरोध करि स्कूल रे ताला पकाइले छात्र छात्री भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक अधीन चिंगुडीपुर जगन्नाथ उच्च विद्यापीठ रे एभले अचल अवस्था देखा दैछि दुई मास पूर्वरु ए विद्यालय को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक अशोक शतपथी प्रधान शिक्षक भाबे बदली होय आसीथिले किंतु एबे तांको बदली पाई पुणि थरे निर्देशनामा जारी होछि जहाँ को विद्यालय छात्र छात्री और अभिभावक माने विरोध करिछन्ति प्रतिवाद रे स्कूल गेट रे ताला पकाई माने धारणा रे बसिछन्ति तेबे बदली नै प्रधान शिक्षकक प्रतिक्रिया मिलि पारि नै ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को घटना विषय रे अवगत करा जाय छि बदली निर्देश को बातिल न हेले धारणा जारी रहिबा सब विद्यालय को कहा को छोडा जीव नै बोली धारणा रे बसिथिबा छात्र छात्री और अभिभावक कहिछन्ति विचारपति निजुक्ति क्षेत्र रे कॉलेजियम व्यवस्था नेशनल जुडिशियल अपॉइंट्स कमिटी को नै सरकार सुप्रीम कोर्ट को मध्ये टणाउटरा चालथिबा बेले राज्यसभा रे से प्रसंग उठाइथिले यूपी अध्यक्ष तथा कांग्रेस संसदीय बोर्ड मुख्य सोनिया गांधी न्यायालय को अवैध करि देबा को सरकार सुचिंतित पदक्षेप नेउछन्ते जा निहाति चिंतार विषय बोली कहिछन्ते सोनिया विचारपति निजुक्ति पई पूर्वरु थिबा कॉलेजियम व्यवस्था को रद्द करि दे सरकार गठन करिछन्ते नेशनल जुडिशियल अपॉइंट्स कमिटी 2014 रे सरकार एनजेएसी आईन आनिथिले 2015 रे सुप्रीम कोर्ट हाकु खारज करि दैछथि जहाकु ने सरकार ओ सुप्रीम कोर्ट को भितरे टणा ओटरा लागि रहिछि एनजेएसी कु खारज करिबाने किछि दिन तळे एक कार्यक्रम रे ओ पार्लियामेंट स्थित अधिवेशन रे प्रथम दिन रे सुप्रीम कोर्ट को समालोचना करथिले उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ 5 कोटी रु अधिक मामला पड़ी रहितबा प्रसंग रे सुप्रीम कोर्ट को भी परोक्ष टारगेट करथिले केंद्र आईन मंत्री किरण रिजिजू जहा को ने सोनिया गांधी आज राज्यसभा रे एभली कहिछंती सुचिंतित ओ सुपरिकल्पित योजना करी सरकार संवैधानिक व्यक्ति विशेष ओ नेता मंत्री को माध्यम रे न्यायालय को अवैध कर देबा को चेष्टा करछंती एभली आदो करा जिबा उचित नहे बोली कहिथिले सोनिया गांधी जहा यथार्थ नहे बोली कहिछंती राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ यूपीए अध्यक्ष को गणतंत्र उपरे भरोसा कम थिबा कहिछन्ते धनखड़ आसंता वर्ष कर्नाटक रे निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले लिंगायत संप्रदायर उपजाति पंचमशाली लिंगायत संप्रदाय बेलगाभी रे करिछि जोरदार आंदोलन राज्य लोकसभार 18% ओ लिंगायत संप्रदायर 60% थिबा पंचमशाली लिंगायत संप्रदाय उभय शिक्षा और सरकारी चाकरी रे संरक्षण